आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। घर के पटाव में कुंडी मारे बैठा था नाग सांप, आगे देखें क्या हुआ। कोरबा जिले से लगे रिंदी गांव के आगे स्थित नकटी खार नामक ग्रामीण क्षेत्र के एक घर में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक जहरीले सांप को घर के रसोई घर में कुंडी मारे बैठे देखा। बारिश का सीजन आते ही कोरबा के रिहायशी इलाकों में सांप निकलने की घटना काफी बढ़ गई है। आज शाम नकटी खार गाँव के एक घर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसे देख घर के लोगों के होश उड़ गए। करीब 8:15 बजे घर के रसोई घर में बर्तनों के पीछे छिपकर एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। जब खाना परोसने के लिए घर की महिला बर्तन निकाल रही थी तब उसने बर्तन के पीछे छिपे सांप को देखकर काफ़ी भयभीत हो गई। वह थोड़े समय में वह बेहोश हो गई, जिन्हें पानी का छींटा मारकर होश में लाया गया। वह सांप को भगाने की कोशिश किया गया तब वह सांप लकड़ी के सहारे घर में बने पटाव में चढ़ गया, जिसके बाद घर के सदस्य ने RCRS स्नेक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष व साइंस क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी अविनाश यादव को इसकी जानकारी दी। जब अविनाश को इस बात की खबर मिली तब वे वन विभाग को निर्देशित कर अपने टीम के सदस्य गौरव गर्ग के साथ उस स्थान पर गए। वह घर के पटाव ऊपर चढ़कर उन्होंने सफलतापूर्वक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद जन सामान्य को सर्पदंश होने की स्थिति में सीधे चिकित्सालय या अपने आसपास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के लिए हिदायत दी। साथ ही लोगों को सर्पों के संरक्षण के लिए जागरूक किया व झाड़ फूंक से बचने की अपील की गई। कोरबा रजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। आप ला सांप कहाँ मेरे दिखे रही से पठाऊ पर मैं दिखी से म्यार में रही टच करके देखे तो वो गौहा सांप रही तो बाद हम फिर अविनाश भैया के नंबर रही तो मैं कॉल करें था फिर बुलाए तो आप मन के द्वारा पकड़ लीजिए। ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।